है, ये गिरी होती है, गिरी का खोपरा उन्होंने क्रश किया होता है, तो ये उनमें बस कलर डाले हुए हैं उन्होंने इधर, इसी तरह हमने ये मिक्स किया हुआ है। ये साथ जो है ना मिक्स मसाला होता है, इसको मिक्स सौंफ भी कहते हैं। वाइट कोबरा डालेंगे, हम डाल देंगे चॉकलेट सिरप, जो भी फ्लेवर बनाना चाहे वो पूछ लेते हैं जिसको जो भी रिक्वायरमेंट हो वो हम बता दे, वो बता देते हैं, फिर हम वो ही बना देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आईजी न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक नईम। आपने पान तो बहुत सारे खाए होंगे, खास तौर पे जो आज मैं आपको पान दिखाने जा रहा हूं, पढ़ा लिखा पान इसे आप कह सकते हैं, बल्कि कहते नहीं है, यहाँ पे भी लोग यहाँ पे जब खड़े होते हैं तो आते ही इसलिए कहते हैं जी पढ़ा लिखा पान। लेकिन पढ़े लिखे पान में ऐसी क्या वैरायटी है, ऐसी क्या क्या चीज़ें ये शामिल करते हैं जो इस चीज़ को चार चांद लगा देती है? आप ये सामने फ्लेवर भी यहाँ पे देख सकते हैं, आज आपके सामने जो फ्लेवर पड़े हुए हैं स्ट्रॉबेरी चॉकलेट फ्लेवर और भी बहुत सारी ऐसी वैरायटी यहाँ पे मौजूद है। साथ जो भाई मौजूद हैं इसी को मेकिंग करते हैं, बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताएं ये आइडिया कैसे आया आपको कि फ्लेवर भी आपने यहाँ पे रखे तो हैं? मामू इधर होते थे, उन्होंने ही लगाया, मैं तो इधर वैसे ही अभी आया हूँ ना, यूँ ही कहीं आइडिया। अच्छा मुझे बताएं सारी चीज़ें क्या क्या हैं, ये सबसे पहले अगर आप हम इसकी बात करें, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये सारी क्या चीज़ें हैं? कलरफुल हैं लेकिन क्या है ये खोपरा है, ये गिरी होती है, गिरी का खोपरा उन्होंने क्रश किया होता है, तो ये उनमें बस कलर डाले हुए हैं उन्होंने इधर, इसी तरह हमने ये मिक्स किया हुआ है। ये साथ जो है ना मिक्स मसाला होता है, इसको मिक्स सौंफ भी कहते हैं, ये भी वाइट खोपरा होता है। इसी तरह और बहुत चीज़ें हैं, ये जो हम जो है ना ये कत्था होता है, चूना होता है, अच्छा। गुलाब के फूलों से बनती है, और इसी तरह गुलाब के फूलों से बनती है जी। और ये इसी तरह ये जो है ना ये खजूर होती है, उसको जो है ना क्रश करके बस उन्होंने वो मिक्स किया होता है। ये टोटली गुलाब के फूलों से बना हुआ है जी? जी यार बड़ा ज़बरदस्त जी, उनकी पत्तियों से ये जो है ना उन्होंने बनाया होता है। चलें एक लगाएं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर या चॉकलेट फ्लेवर लगा के दिखाएं आपको, जो है ना चॉकलेट फ्लेवर लगा के बनाते हैं, बताते हैं। चलिए इसके लिए मेकिंग क्या है, सबसे पहले आपको ये पत्ते ये कहाँ से लाते हैं? ये हम इधर दुकानों से मिल जाते हैं, उधर से ये कराची से आते हैं या फिर इंडिया से आते हैं। यहाँ पे आप दिखाएं, इसी तरह हम ये सबसे पहले क्या लगाने लगे हैं? ये चूना लगाएंगे, थोड़ा सा मीठे पान के लिए इतना चूना नहीं लगाते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये हम कत्था लगाएंगे, इसमें हम थोड़ी सी खजूर डालेंगे। ये खजूर में और क्या आपने ये शुगर ऐड किया है? जी जी ये चीनी होती है जी, साथ फ्लेवर की खुशबू होती है कुछ। इसी तरह ये गुलकंद है, गुलकंद हम डालेंगे थोड़ी सी, ये सौंफ डालेंगे, इसमें थोड़ा सा मिक्स खोपरा, ये मोती चूर है, ये थोड़ा सा डालेंगे, चालिया होता है, मीठा चालिया होता है ये। अच्छा ये ज़रूरी होता है डालना? जी जी ये भी फ्लेवर है, ये मिंट मिंट टाइप होते हैं, जिस तरह ये ठंडक के लिए नहीं होते हैं। अच्छा। ये मिंट होते हैं, खुशबू होती है, ये भी एक फ्लेवर टाइप होती है, ये भी थोड़ा सा डालेंगे, ये खुशबू होती है। वाइट कोबरा डालेंगे, हम डाल देंगे चॉकलेट सिरप, जो भी फ्लेवर बनाना चाहे वो। अच्छा इसके बाद फिर मतलब यहाँ पे आके मेन चीज़ शुरू होती है, अगर इसमें आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डालना चाहते हैं वो इसके ऊपर लग सकते हैं? पूछ लेते हैं जिसको जो भी रिक्वायरमेंट हो वो हम बता दे, वो बता देते हैं, फिर हम वो ही बना देते हैं। ये इसमें हम जो है ना डाल देंगे, ये हमने बंद किया, और अगर हमने यहाँ पे टेस्ट करना हो तो फिर क्या इसको तो कैसे टेस्ट डायरेक्ट ही है फिर डायरेक्ट? ये मैं इसको आधा भी टेस्ट कर सकता हूँ? जी जी हाँ, ये तो आपकी मर्जी, हमने तो चलें जी ये आप नज़दीक से दिखाएं अगर आप ना तो बड़े मज़े का। हाँ चलें ये ट्राई करते हैं जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यकीन करें कि 10 किस्म की आइटम इसमें ऐड हुई हुई हैं, बड़े मज़े का लग रहा है। मैं वैसे पान का शौकीन तो हूँ नहीं, लेकिन बड़ा मीठा मीठा टेस्ट है, हर तरह की चीज़ इसमें ऐड हुई हुई है, खजूर का टेस्ट है यार, क्या कमाल बनाया यार, यकीन करें। थैंक यू सर, मुझे लगता है आप तो मैं भी आऊँगा यहाँ पे खाने के लिए। अगर आप भी खाना चाहते हैं रावलपिंडी फूड स्ट्रीट नाचुरी पार्क के बिल्कुल सामने डबल रोड पे, बड़ी फेमस है, यहाँ पे जब आप आएंगे ये आप नीचे नाम देखें गोल्डन पान पढ़ा लिखा पान, यहाँ पे लोग ये भाई जो है यहाँ पे मौजूद आपको मिलेंगे, तो ज़रूर ट्राई करें। अच्छा इसकी प्राइस कितनी है? ये 90 रुपीज़, ठीक है, उस हिसाब से अगर जितनी चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई हैं तो बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा ये जो खास बात मुझे लगी इनकी ना, जो इन्होंने ये जो फ्लेवर ऐड किए ना, ये मुझे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ इसमें लगी कि हर तरह का फ्लेवर इसमें आपने रखा हुआ है। अगर हमारे रेफरेंस से आता है तो थोड़ा बहुत आप डिस्काउंट भी देंगे? जी जी ज़रूर, क्यों नहीं।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आपका मेजबान मलिक नईम आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज़।